गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। आइए हम लोग अब सीख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बटा में सात और दो बटे में सात के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालनी है, इरेशनल नंबर हमको निकालनी है। तो गाइज, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए एक बटे में सात को हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक तो कटेगा नहीं, दशमलव दे के जीरो बढ़ाएंगे। सात एकम सात, दस में से सात गया तीन, सात चौके अट्ठाईस, दस में से आठ गया दो बीस, सात दुना के चौदह, दस में से चार गया छः जीरो, सत सत उनचास, सतो आठ छप्पन, दस में से चार गया, दस में से छः गया चार, तो हमारा क्या बच जाएगा, चालीस हो जाएगा। तो सात सात चौके अट्ठाईस, सात पचे पैंतीस, सात पचे पैंतीस, दस में से पाँच गया पाँच, पचास हो जाएगा, सात सत्य उनचास, ये एक बचा। गाइस अब ध्यान से देखें, हमारा सफ़र शुरू हुआ था एक से और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है एक से। अब जब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये सारे के सारे हमारे यही चीज़ें दोहरा के आएंगी, क्योंकि एक के बाद फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर वही सात का मसात, फिर तीस, फिर बीस, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये अब रुकने वाला नहीं है, हर इतने प्रोसेस के बाद एक आएगा और एक के बाद फिर उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम बार लगा देंगे तो यानी कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक बटा में सात को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। अब गाइज हम लोग दो बटे में सात को भी एक्सप्रेस करेंगे, तो आइए इसको भी एक्सप्रेस कर लिया जाता है डेसिमल के फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में ही हम इरेशनल नंबर को समझते हैं, तो डेसिमल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, टू और सेवन, जीरो बढ़ाइए दशमलव देके, सात दुना के चौदह, दस में से चार गया छः, साठ हो जाएगा, सतवा आठ छप्पन, दस में से छः गया चार और ये हो जाएगा चालीस, सात पचे पैंतीस, दस में से पाँच गया पाँच, पचास हो जाएगा, सात सत्ते उनचास, दस में से नौ गया एक, दस हो जाएगा सात इकमा सात, दस में सात गया तीन जीरो, सात चौके अट्ठाईस, दो शेष आ गए। गाइज हमारा सफ़र शुरू हुआ था दो से, दो पे आके हम रुक गए हैं, फिर इसके बाद वही संख्याएं रिपीट करेंगी, जैसे आगे बढ़ेंगे सेम चीज़ें रिपीट करती जाएंगी। इसका मतलब यहाँ हम बार लगा देंगे, तो 2/7 को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.285714। अब गाइज हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, बार लगाने का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब गाइज इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, दो निकाल सकते हैं, तीन निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो वो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कंडीशन समझ लीजिए इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है गाइस, नॉन रिपीटिंग, एक ही संख्या दोहराएगा नहीं, और नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यही दो होता है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो इसके बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे वो 0.14 यानी इस संख्या से बड़ा होगा, लेकिन 0.28 इस संख्या से हमारा छोटा होगा, यानी इनके बीच में तभी आ सकता है। आइए गाइज हम पहली रेशनल नंबर को निकालते हैं, 0. ये 1 है तो 1 कर दीजिए। अब यहाँ तक गाइज हमारा बराबर है, ये 1 है, ये भी 1 है, अब ये 4 है, इसको 5 कर दीजिए। अब 5 जैसे हमने किया तो अब इसके बाद कुछ भी लिखेंगे इस संख्या से बड़ा आएगा। अब हम कुछ भी क्या लिखेंगे, ऐसी चीज़ लिखेंगे जिसमें नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। 0.15 है, 0.1 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 15001,
15001 15 4 0 1 .. गाइज देखिए हमने एक सीक्वेंस बना दिया है नॉन टर्मिनेटिंग 15 01 15 00, यहाँ 00 यहाँ 000, तो नॉन से रिपीटिंग हो गया, कोई भी एक डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है और इनफाइनाइट तक जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। अगर और भी बनाना चाहते हैं तो देखिए दूसरा हम कैसे बना सकते हैं गाइज, वो देख लीजिए 0.142 गाइज, देखिए 142 यहाँ तक तो हमारा क्या है इक्वल है, ये तीनों भी बराबर चल रहा। अब ये हमारा 8 है, यहाँ पे आप कर दीजिए 9, तो अब इससे बड़ा, अब इसके आगे कुछ भी लिखे इससे बड़ा हो जाएगा। 1429 जीरो कर दीजिए, 1429 डबल जीरो कर दीजिए, 1429 ट्रिपल जीरो कर दीजिए, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। एक और देख लीजिए थोड़ा सा वो भी इंटरेस्टिंग होगा, जैसे हमारे पास ये 0.285714 है, 0.2 हो गया, इससे छोटा रहना चाहिए, तो अभी ये 2 है, ये 2 अभी बराबर चल रहा, ये हमारा 8 है, 8 से एक छोटा कर दीजिए यानी 7 कर दीजिए, अब आगे कुछ भी लिखिए इससे छोटा ही रहेगा, 0.271 271 1 2 7 1 2 7 11 1 2 7 triple 1 2 7 4 time 1 .. इस प्रकार से हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइएगा इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या निकालना है, इनके बीच में 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। गाइस सबसे पहले इरेशनल नंबर जब भी हमको ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वैल्यू को, तो हम जानते हैं अंडर रूट 2 की जो मान होती है वो होती है 1.4142 .. और अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73205 .. अब गाइस इनके बीच में हमको लेके आने हैं इरेशनल नंबर 2, तो अब यानी हमारे पास जो करड़ी में 2 है उसको लिख सकते हैं 1.4142 .. और एक हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 को 1.732 .. अब इनके बीच में हमको इरेशनल नंबर 2 इरेशनल नंबर को लाना है, यानी कि गाइस जो भी हम 2 लेके आएंगे इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। आइए हम करते हैं, जैसे 1.4 की जगह पे हम क्या करते हैं 5, 1.5 1 5 double 1 5 triple 1 5 4 time 1, एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या देख लिए गाइस, 1. ये 7 है, इससे थोड़ा छोटा कर दीजिए तो 6 कर दीजिए, 1.621 62 01 62 01 62 00 1 62 00 1 62 triple 01 62 4 time 01, ये 2 अपरिमेय संख्याएं होंगे करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में। इस प्रकार से गाइस इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आप चाहें तो अनलिमिटेड परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है उसके लिए 2 कंडीशन को आप जरूर फॉलो करवाइएगा। पहला हमारा फॉलो करेगा नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं करना चाहिए। गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे 51 है, यहाँ 511 है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 5111 है, इसे रिपीट नहीं कर रहा है। और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो ख़त्म नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। गाइस अब ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, .. कर दीजिए। ये 2 सीक्वेंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर ये दोनों ही फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इरेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2 and 2.5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या निकालना, बड़ा ईजी है, 2.01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लीजिए, ये हमारा पहला इरेशनल नंबर हो गया 2 और 2.5 के बीच में। दूसरा हो जाएगा 2.414 11 4 triple 1 4 4 time 1 .. अब गाइज इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे
2.423 2.423 42 33 42 33 42 33 ... ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो और दो दशमलव पाँच के बीच में हमने लेके आ गया है। अब गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाता है, वो भी इजी क्वेश्चन है। हालांकि मैं तो चाह रहा हूँ उसको आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास से एक और दो के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। कितनी अपरिमेय संख्या निकालनी है? एक। बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, वन पॉइंट 2.5 2.55 2.555 2.455 2.4 × 5 ... आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गाइस ये तो थे हमारे किस प्रकार से अपरिमेय संख्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं। गाइस हाउ आर यू, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है -1 तथा 1 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -1 तथा 1 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास एक है -1 और दूसरा है 1, इन दोनों के बीच में हमको दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले गाइस आप ये देख लीजिए कि नंबर लाइन पे इसका स्थान कहाँ आता है। ये 0, इधर -1 और इधर 1, यानी कि अब इन दोनों के बीच में ही आपको दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर लाइन पे इसका स्थान कहाँ आता है। गाइज इसको थोड़ा सा हम जो कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाते थे उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है वो हमारी हो जाती है n की वैल्यू। तो n बराबर 2 और यहीं से निकालते हैं n प्लस 1 की वैल्यू यानी कि 3। अब हम क्या करते हैं गाइस, -1 को हम लिख सकते हैं -1/1 और इसमें n प्लस 1 की वैल्यू से यानी 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये -3/3 और उसी प्रकार से हम 1 को लिख सकते हैं 1/1 और ऊपर नीचे n प्लस 1 की वैल्यू यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/3। अब गाइस इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होता था बड़ा ही इजी है। हमारे पास ये -3/3 और एक है 3/3, इनके बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करना। गाइस आइए देखिए, अब -3 के बाद क्या आएगा, -2/3 -1/3 0 उसके बाद 1/3 उसके बाद 2/3। गाइस ये इतने परिमेय संख्या हो सकते हैं, हालांकि और भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से निकालने पे हम, क्योंकि यहाँ हम n प्लस 1 की वैल्यू 3 से इसको बाउंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। तब इनमें से आप किसी एक को भी, किसी दो को भी आप ले सकते हैं। गाइस एक और थोड़ा सा हम आपको सोचने का तरीका बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से, अगर मान लीजिए आपको इस प्रोसेस को अपना कर हल नहीं करना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। गाइस यहाँ आप देखिए -1 और 1, ये हमारे पास था -1 और 1, इसके बीच में ही निकालना है। गाइज हम देखते हैं कि -1 संख्या रेखा इधर है और 1 इधर है, इसके बीच में एक तो हमारा 0 आया, तो 0/1 कर देंगे, एक रेशनल नंबर हमारा ये हो गया। और एक का आधा क्या होता है गाइस, 1/2 होता है, तो 1/2 एक दूसरा हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो आप चाहो तो इसको लिखो कि -1 और 1 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं लिख दो। अब इनमें से चाहे किसी दो को आप लिख सकते हो, या फिर जो सोचने का तरीका हमने बताया है, -1 और 1 के बीच में एक तो 0 आया, तो 0/1 हो गया, और 1 से कम आ रहा है हमको, तो 1 से आधा क्या हो जाएगा, आधा यानी 1/2, ये दोनों ही हमारे परिमेय संख्याएं हैं। गाइस ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन।